अंदर मशीन बनाई है, इसमें देखिए अभी हमने इस ढक्कन को टाइट किया हुआ है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो जैसे जैसे हम इस ढक्कन को ढीला करते जाएंगे तो इसके अंदर हवा पहुंचती जाएगी। अभी इसके अंदर पानी है और देखिए मैं इसको ढक्कन को ढीला करके दिखाऊंगा। देखिए जैसे मैंने ढक्कन को ढीला किया है तो हमारे यहाँ से वाटर आना शुरू हो गया है, तो जैसे जैसे हम ढक्कन को इसको टाइट करते जाएंगे तो इसके अंदर एयर जानी बंद हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसलिए ये जो हमारी वाटर डिसअपीयर मशीन तैयार हो गई है। गुलाल गन बनाई है, ये गुलाल गन बनाई है, इसमें हमने एक ये वाटर बोतल ली है जो कि हमारे घर में वेस्ट बोतल थी, इसमें हमने पीछे एक ये वाल बॉडी लगाई है जिसमें अंदर एयर जाएगी, और इसके बाद में हमने यहाँ पे एक ये गोल वाल लगाई है जो कि यहाँ से ये इसको यहाँ से एयर को कंट्रोल करेगी, जो एयर पीछे ही रहेगी और इसमें आगे हम गुलाल डालेंगे, और जैसे ही हम इसमें इसको आगे से प्रेस करेंगे तो गुलाल आगे निकल जाएगा, इस एयर के प्रेशर के कारण ये आगे चले जाएगा और इससे हमारी गुलाल गन तैयार हो जाती है। सर इससे हम बैलून भी फुला सकते हैं, इसमें आगे हम बैलून लगाकर जैसे एयर के साथ में वो एयर उसमें बैलून के अंदर जाएगी तो बैलून भी फुल सकता है। यस सर, इसमें वाल बॉडी है छोटी, ये बड़ी है टायर के अंदर, ये बड़े वाले टायर का। सर एक बार पकड़ लीजिए, तो बंद कैसे करोगे फिर इस जगह पर के मुझे ऐसे ही ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी खड़े हो जाओ। एक डेनमार्क के वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर ऑरेस्टर। ऑरेस्टर ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर सेटअप्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। यदि हम किसी चालक में या कुंडली में को करंट पास करें तो अपने चारों तरफ हुए एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। तो इसमें हमने क्या किया कि दो कोयल्स हमने ली है, इसमें हमने करंट पास किया तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डेवलप होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर से होकर गुजर जाएगी तो इसमें एक फ्लक्स आ जाएगा। और इसमें हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ट्रांजिस्टर लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया। ट्रांजिस्टर इसलिए लगाया है कि ये करंट की वैल्यू को घटाता बढ़ाता रहता है इसमें, क्योंकि करंट का वेरिएशन मस्ट है फ्लक्स चेंज के लिए। तो इसमें एक फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा और फ्लक्स परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगी। इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और यहाँ पे इसमें करंट बह जाएगी। तो ये इसका प्रिंसिपल है, फैराडेज लॉ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है वो उन कारणों का अपोज करती है जिन कारणों से वो स्वयं उत्पन्न हुई है, ये लेंज के नियम को भी बताती है। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का है, ये हमने इसी वर्कशॉप में सीखा है, मतलब हम इसको पाइथागोरस की प्रमेय को कागज के टुकड़े बना के भी सिखा सकते हैं, गत्ते के टुकड़े बना सकते हैं और कलर पेपर से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। पाइथागोरस ने बताया था कि जो है समकोण त्रिभुज में
कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमने चार टाइप से दिखाया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने इसको दिखाया है एक वर्ग के अनुसार, समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही चीज हमने यहाँ व्रत में भी दिखाया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना व्रत शेष दो भुजाओं पर बने व्रतों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सेम यही चीज हमने अर्धव्रत में भी हमने इसको दिखाया है और यही चीज हमने यहाँ पे आयत के रूप में दिखाई है। तो ये बच्चों को जो है सरलता से पाइथागोरस की प्रमेय का एकदम बिल्कुल समझ में सटीक आने का तरीका। ये हमने यहाँ पे इसी वर्कशॉप में सीखा था, ये स्टेथोस्कोप है जो रिफ्लेक्शन के नियम को, परावर्तन जो वेव होती है उसको समझाता है। आप इसको सुन सकते हैं। लीजिए सर। आ रही दिल की आवाज, बस आप गुराठी जी को आगे मेरे दिल की आवाज आपको दिक्कत। ये डेंसिटी टावर है, इसमें अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड लिए गए हैं, तो इसमें पता चल रहा है जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वो लिक्विड नीचे आ जाएगा और कम डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर है। अच्छा, ऐसे नहीं मिक्स करते रहो, कोई सा भी ऊपर डाल दो, कोई सा भी नीचे डाल दो, अपना आप ही सेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ हो जाएंगे, थोड़ी देर रखने के बाद सेट हो जाएंगे। मिक्स नहीं, अगर इसे हम सबसे ऊपर डालें हाँ वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। और वाटर भी इसके अंदर है लेकिन वाटर जो है मिसिबल था तो उसमें डिसॉल्व हो गया हेयर ऑयल, इसीलिए वो यहाँ पर सिंक कर गया। ये बढ़िया है, टावर बनाया जा सकता है। आपने तीन लेयर ले ली। यस, बच्चों को समझाने के लिए बहुत डेंसिटी का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो समझाया जा सकता है बच्चों क्लास में और कम स्पेस में आराम से कैरी कर सकते हैं। बढ़िया। एक इसमें सर ये था, लीजिए सर, ये भी हमने इसी वर्कशॉप में सीखा था आपसे। ये हल्का ये हमने स्ट्रो पाइप की हेल्प से डीएनए को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये जो ब्लैक वाली टेप है ये इसके सेंट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो स्ट्रो पाइप्स है ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों का है सर, यही दोनों ने बनाया था, बनाया तो सर इन्होंने ही है। इसी में हम थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन कर दे तो इससे हम वेव मोशन समझा सकते हैं। एक तो ये स्ट्रो पाइप हमें पास पास लानी पड़ेगी और ये थोड़ा सा इसमें तो हमने टाइट टेप अरेंजमेंट किया है, इसको थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम ऐसे वेव मोशन को, फिजिक्स वाले कंसेप्ट को भी समझा सकते हैं। थैंक यू। हमने ये एक साउंड को एनहांस करने की टेक्निक बनाई है जिसमें साउंड को बढ़ाया जा सकता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो रेजोनेंस है, जब पाइप के अंदर के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो इसमें साउंड सोर्स हम लगाएंगे उसके साथ जब रेजोनेंस की फिनोमिना करते हैं तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाते हैं जिससे साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और इसी के साथ हमने एक बॉल के साथ कुछ पाइप को अटैच किया है और यहाँ पर हम एक स्टीम इंजन का हम यहाँ पर सोर्स मान सकते हैं। हमारे पास एक बॉल है, बॉल के अंदर हमने एक पाइप लगाई है, पाइप के थ्रू अगर हम इसमें एयर प्रेस करते हैं तो इसके कॉर्नर से जो एयर प्रेशर के साथ निकलती है तो वो एक आप मान सकते हैं कि एक फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन, जिसको रोटेटिंग मोशन इसको मिल जाती है। और इसके साथ ही हमने एक रॉकेट भी बनाया है, रॉकेट के थ्रू हम यहाँ पर एयर प्रेशर के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है सर, और आप बताएंगे सर। इसमें हमने कम जो एक एयर प्रेशर के माध्यम से गुब्बारा फूलना, जैसे गुब्बारा में कम जो है हवा भरी जाती है, बताया बच्चों को कम जो खेल खेल में, इसमें बता सकते हैं कि कम जो
वायु स्थान घेरती है, इसमें क्या करते हैं बाल्टी पानी में रखते हैं, बाल्टी जो है होती है इसमें पानी रखा जाता है और उसमें क्या नीचे की उसको दबाते हैं तो ये गुब्बारा फूल जाता है। इस तरह से बच्चों को क्या बता सकते हैं कि मुझे कि जो वायु है स्थान घेरती है और वायु से कि ऊपर का जो पार्ट है गुब्बारे का वो फूल जाता है। इसी प्रकार से कि मुझे इसको भी इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यदि इसमें यहाँ पे छेद किया हुआ है, यदि मैं इसको पुश करता हूँ तो ये गुब्बारा फूल जाती है, जैसे सॉरी इसको मैंने यहाँ पे मतलब क्लोज कर लिया है अब यदि मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये तुरंत ये पुश हो जाता है। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट, ये भी एयर प्रेशर से संबंधित एक्सपेरिमेंट है। और सर ने बताया इससे क्या, इससे पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए हमने मिनिमम जो शैडो होती है कम जिसकी एक ट्री के रूप में हमने इसको लिया, इससे एंगल निकालना होता है। एंगल निकाल करके जो एरिस्टोटल ने जो कम जो एक फॉर्मूला दिया था उससे सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। इस तरह से कम जो एक्सपेरिमेंट को हमने किया है। सही, हमारे थोड़े ज्योमेट्रिकल फिगर्स है और सर हम इन सब को हम इन सेवन शेप्स से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज इन सभी शेप्स का जो एरिया है वो सेम है। नहीं, ये वो ब्लॉक नहीं है, अलग ब्लॉक है, तो अगर हम चाहें तो ये हो जाएगा। और ये हमारा परसिस्टेंस ऑफ लाइट, परसिस्टेंस ऑफ विजन है। हियर यहाँ पे एक पैरट केज से बाहर है और यहाँ पे एक केज है, अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसा लगता है कि एक पैरट केज के अंदर है बिकॉज आवर रेटिना कैन ओनली सी 60, रेटिना कैन ओनली डिटेक्ट 16 इमेजेस इन अ सेकंड। इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ इमेजेस विद डिक्रीजिंग टाइम we are not able to detect the images, it is known as persistence of vision. इसमें भी सर यही है, इसमें ये जो हमने दो रेक्टेंगल्स लिए हैं जब हम इन्हें रोटेट करते हैं तब ये क्यूबॉइड बन जाते, सिलेंडर बन जाते हैं, एंड व्हेन वी रोटेट दिस ट्राइंगल देन दे फॉर्म अ कोन, इन द फॉर्म ऑफ कोन। ये हमारी एक बॉटल है और इसमें हमने एक बलून टाइप ग्लव्स अटैच किया है। इफ अगर हम इसे वाटर के अंदर डिप करेंगे तो जो वाटर इस बॉटल के अंदर आएगा उसमें से प्रेशर जो होगा वो अलग से निकल के इस उसमें आ जाएगा, ग्लव में आ जाएगा और ये जो ग्लव है वो ब्लो कर जाएगा। ये हमारा रॉकेट है, इसमें हमें 40% वाटर यहाँ से अगर हम डालें और उसके बाद अगर हम इसमें गैस भरे फ्रॉम मतलब एक पंप से गैस भर दे उसके बाद अगर हम इसे लॉन्च करें तो ये सही लॉन्च हुआ था। मैंने ये भी सिखाया है, ये बच्चों को अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल सिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है जिसका नाम हमें सुदर्शन बताया गया और मैं इसे हेलीकॉप्टर कहता हूँ और मैं इसे करके दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊँगा। अच्छा एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ तो आज के वर्कशॉप के हिसाब से